मतदान के मात्र कुछ दिन शेष रह गए हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कैथल के आरकेएम पैलेस में इनेलो द्वारा एक अचानक बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा करेंगे। मौके की तस्वीर है, रामपाल माजरा किस तरह से लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लोग उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अचानक से इनेलो द्वारा बुलाई गई बैठक को लेकर किस तरह की रणनीति जो है वो बनाई जाएगी, फिलहाल जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा उनसे जानेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, मौके की तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे, किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा। लेकिन मात्र कुछ दिन शेष रह गए, मतदान होंगे, तमाम कार्यकर्ता आरकेएम पैलेस में पहुंचे हैं और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह से हजूम इस मीटिंग में जो है, जो अचानक मीटिंग बुलाई गई उसमें तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तमाम लोग पहुंचे हैं। और क्या कुछ इनकी ड्यूटियां लगाई जाएंगी, किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से वोटों का भुगतान करवाया जाएगा, उसको लेकर जो है अहम बैठक यहां पर आयोजित की गई है। फिलहाल इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा उनसे जान लेते हैं क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। नमस्कार जी माजरा साहब, सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के और हमारे सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से चुनाव को उठाया, जिस प्रकार से इस मुकाम तक पहुँचाया, के हृदय से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जितने जुटे और उन्होंने जिस प्रकार से चुनाव में घर घर जा कर के, गली गली जा कर के अभय सिंह चौटाला के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, उससे आज चुनाव हमारा चरम सीमा पर और हमारे मुकाबले में कोई भी नहीं है। और विशेष तौर से आज मीटिंग हमने कुछ रणनीति बनाने के लिए ही बुलाई है कि किस प्रकार से वोट पोल करने हैं, किस प्रकार से आपने पोलिंग स्टेशन को संभालना है, बूथ को संभालना है, ये सारी बातें सब कार्यकर्ताओं को बताएंगे। माजरा साहब, लगातार कुरुक्षेत्र लोकसभा के तमाम गाँव में आप घूमे हैं, किस तरह का लोगों का रुझान मिल रहा है, रोष कहाँ दिखाई दे रहा है, भाजपा से लोग क्यों नाराज हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के साथ धोखा किया। सबसे पहले तो किसान को मारा है कि किस प्रकार से उसको 380 दिन तक दिल्ली में बिठा के रखा और किसानों पर लाठीचार्ज पीपड़ी में किया, और ड्रोन से किस प्रकार से अश्रु गैस के गोले इन्होंने शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर, संगतपुरा बॉर्डर पे छोड़े, शुभकर्ण को मारा। और आप सब जानते होंगे इस बात को भी, बलि प्रकार आंगनबाड़ी वर्कर को पीटा, हमारे सरपंच साहिबान को इसी प्रकार वो अपनी मांग कर रहे थे उनको भी लाठीचार्ज किया और गैस टीचरों पर लाठी बरसाई। हर वर्ग इनसे दुखी और परेशान है। आज नौजवान इस बात से दुखी है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान दुखी है, आम जन दुखी इस बात से है कोई सुख सुविधाएं नहीं हैं, बिजली पानी की समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है। आज इनकी सारी की सारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और लोगों को ये परेशान करने की नीतियां बनाते रहे। तो जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, किस तरह से लोगों का रुझान जो है इनेलो की ओर? 100% हमारा उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला जीत दर्ज करेगा और हमारे विरोधी धराशायी हो जाएंगे। माजरा साहब, नवीन जिंदल ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है, क्या अभय चौटाला के भी घोषणा पत्र सामने आएंगे, क्या अभी तक तो कोई सामने देगा? अभय सिंह चौटाला का पहले ही पार्टी ने संकल्प पत्र घोषित किया हुआ है कि 750 पेंशन करेंगे, बेरोजगारी भत्ता करेंगे और हम हर को मकान देंगे। और हमने ये कहा हुआ है कि हम नरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे और सुनिश्चित करेंगे 200 दिन की दिहाड़ी मिले, और विशेष तौर से जिनका आपने नाम लिया उनसे कुछ ददकचे सवाल मेरी छाती में हैं कि वो ये बताएं कि वो पहले भी यहाँ से एमपी रहे थे, क्या कोई इस इलाके में कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी या कोई फैक्ट्री लगाई है, कोई यूनिवर्सिटी बनाई है? परंतु नहीं, यहाँ तो केवल वोट लेने के लिए आते हैं, व्यापार चमकाते हैं और फिर चले जाते हैं। माजरा साहब, आखिरी सवाल है, दुष्यंत चौटाला ने आपके गांव के एक नेता को जिम्मेवारी दी गई है कि माजरा साहब के गांव से माजरा साहब को ही बाहर करने की जिम्मेवारी दी गई, धूप सिंह माजरा को, कहां देखते हैं? उनकी बातों का मैं कोई है नहीं, कोई दम नहीं है, अब उनकी हवा निकल चुकी है। और मैं घमंड की बात नहीं कहता, मेरे गांव से आज तक 40 साल में मेरा जिसकी मैंने मदद करी, जिस चाहे वो MP रहा चाहे MLA रहा, उसकी जीत हुई है। और JJP के तो पिछला चुनाव में आप वोटिंग जो रिजल्ट है वो निकलवा के देखो, असेंबली में 37,000 वोट पड़े हैं असेंबली में JJP के उम्मीदवार को, और हमारे गांव में कह पड़े आपको पता लग जाएगा, जब तो उनकी
कहते थे तूती बोल रही थी, और आज तो मेरे ख्याल में मेरा कोई गांव सर्कल भी नहीं है, मेरा कोई ज़िला भी सर्कल नहीं है, मेरा तो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी पे ध्यान है और उनका गांव पे होगा उनकी तुच्छ विचारधारा। चलिए माजरा साहब, तमाम लोग देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा के तमाम लोग आपको इस समय देख रहे हैं, तो क्या कुछ अपील रहने वाली है? मात्र कुछ दिन रह गए, आप खुद ही अंदाज़ा कर लो कि हर गांव में किस प्रकार का वेलकम स्वागत अभय सिंह चौटाला का हुआ, और मैं ये मेरे लिए ये नहीं कहता मेरी वजह से हुआ है, ये दिलदार कार्यकर्ता है। माजरा साहब, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि इनेलो का ग्राफ आपके आने से बहुत बड़ा है। ये सही है, ये कार्यकर्ता घर बैठे थे, मैंने इनको घर जा जा के सजोया है, एक लड़ी में पिरोया है, और मुझे आशा है कि हम बहुत शानदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद माजरा साहब। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। आज एक अचानक बैठक बुलाई गई है जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर आने वाली मतदान को लेकर ड्यूटियां लगाई जाएंगी, लेकिन अचानक इनेलो की एक बड़ी मीटिंग फिलहाल कैथल के आरकेएम पैलेस में होती नजर आ रही। वीडियो कहां देखते कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए।